हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और यूपीएससी सीसेट की आज के क्लास के अंदर हमारा टॉपिक रहेगा डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन चल रहा है आजकल, तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन चार्ट में आप लोगों को करा चुकी हूँ। आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डाटा टेबल। अगर डाटा टेबल पर आपका क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये कह सकते हो कि ईजी है, ठीक है, डाटा टेबल इजी है। बट यहाँ पे मेनली आपके पास में ये मान के चलिए कि थोड़ा कैलकुलेटिव आ जाता है एग्जाम के अंदर, और आपके पास जो क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन में भी परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, ज़्यादातर इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये तीनों टॉपिक्स तो आपने बिल्कुल टिप्स पे कर लेने, परसेंटेज, रेशियो और आपका एवरेज। ओके, वैसे भी इन पे से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर बेटा, अगर सिंगल सिंगल क्वेश्चन भी देखें तो भी इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते हैं। तो इन टॉपिक्स को सभी ने अच्छे से कर लेना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, द स्टूडेंट्स हु वांट टू जॉइन द क्रैश कोर्स, दैट मींस कि इफ फास्ट ट्रैक पे जो कंप्लीट करना चाहते हैं सी सेट के कोर्स को, वो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, सभी ज्वाइन कर सकते हो अभी। दूसरा, जो स्टूडेंट्स कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक दो स्टूडेंट्स इस बार अपीयर हो रहे हैं 2022 के अंदर, उनके लिए बेटा क्रैश कोर्स बेटर रहेगा, और जो स्टूडेंट्स 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए आपका कंप्लीट कोर्स बेटर रहेगा। ओके, अब इसके बाद में हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज की। तो टेस्ट सीरीज तो बेटा मस्ट है, टेस्ट सीरीज तो मस्ट है। जब आप कोई भी टॉपिक करते हो, फॉर एग्जाम्पल अब आप क्वांट का कोई टॉपिक कर रहे हो, ठीक है, क्वांट तैयार कर रहे हो, तो उस टाइम पे अगर आप क्वांट के ही टेस्ट करते हो, ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाता है कि हाँ जी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कितना प्रिपेयर हो गया। सेम वे जब लॉजिकल रीजनिंग करते हो तो लॉजिकल रीजनिंग के आप टेस्ट अटेम्प्ट करो, जिस टाइम पे आप इंग्लिश कर रहे हो इंग्लिश के टेस्ट आप अटेम्प्ट करो। तो इसके अंदर 20 टेस्ट हैं, 20 टेस्ट के अंदर से 5 क्वांट, 5 लॉजिकल रीजनिंग, 5 इंग्लिश एंड 5 आर कंप्लीट मॉक्स। ओके, जो भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन करना चाहता है डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, अभी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये तो बेटा मस्ट है, सभी ने ज्वाइन करना है इसको। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा डाटा टेबल। अब देखिए, एक डाटा टेबल आपके पास में गिवन है, अब डाटा टेबल के अंदर से भी हमने समझना है कि इस टेबल के अंदर डाटा है क्या बेसिकली, और क्या हमारे पास में हमने फाइंड आउट करना है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, द गिवन टेबल शोज द डाटा ऑफ द पॉपुलेशन इन 5 डिफरेंट पार्क्स, स्टडी द डाटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। क्या है, नंबर ऑफ पीपल्स जो आपके जा रहे हैं, किनकी पॉपुलेशन गिवन है इन डिफरेंट पार्क्स। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, पार्क ए टोटल पॉपुलेशन इज 400, फीमेल पॉपुलेशन इज 150। एक तरह से अब हमें यहाँ पे क्या पता चल गया कि भाई फीमेल की पॉपुलेशन गिवन है, तो मेल की हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मेल की कैसे फाइंड आउट करोगे, इसके अंदर से इसको माइनस कर देंगे। ओके, सेम वे बी के लिए टोटल पॉपुलेशन है, फीमेल पॉपुलेशन है, सभी के लिए ऐसे ही हमारे पास गिवन। डन, अब बात आती है कि क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन व्हाट इज द एवरेज ऑफ मेल पॉपुलेशन इन पार्क बी सी डी पार्क की पॉपुलेशन की एवरेज आपको फाइंड आउट करनी है मेल की, ठीक है। अगर हम बात बेटा करते हैं मेल की, किसकी, बी सी एंड डी। अब देखिए बी के अंदर अगर हम मेल देखें तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 500, 500 से 200 कितने फीमेल्स हैं, दैट मींस कि मेल कितने हो गए आपके पास, 300। ओके, सी के अंदर देखिए बेटा टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 700, फीमेल्स कितनी है, 350, दैट मींस कि कितना हो गया, 350। तीसरा है आपके पास डी, डी के अंदर टोटल पॉपुलेशन कितनी है आपके पास में, 800, फीमेल कितनी है, 450, फीमेल कितनी है, 450, दैट मींस कि मेल कितने हो गए आपके पास में, 250, ये हो गया बेटा 350। ओके, टोटल कितना हो गया, 700 एंड 100 1000 हो गया, 700 एंड 300 1000 हो गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है। एवरेज आप कैसे फाइंड आउट करोगे, 1000 डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स कितना आ गया, 333.33। ओके, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी। क्लियर है सभी को, सिंपल है, सिंपल लगा है डी आई, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है आपके पास में,
कह रहा बाई व्हाट परसेंट, एक ही परसेंट वाला कंसेप्ट सभी ने ध्यान रखना चाहिए। आप डाटा टेबल कर रहे हो, चाहे पाई चार्ट कर रहे हो, या फिर आप लाइन चार्ट कर रहे हो, सभी में कंसेप्ट ये वाला तो यूज होता ही होता है। क्या है, बाई व्हाट परसेंट फीमेल पॉपुलेशन इन पार्क डी इज मोर और लेस देन मेल पॉपुलेशन इन पार्क ई। पहला क्या पॉइंट बताया उसने, फीमेल पॉपुलेशन इन डी, और दूसरा कंपेयर किसके साथ करना आपने, मेल पॉपुलेशन इन ई। पहले तो इसको शॉर्ट में लिख लिया करो ताकि ना आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उसके बाद में उसमें आप टेबल में चेक करो, फीमेल इन डी, डी के अंदर फीमेल कितनी है बेटा, 450, एंड ई के अंदर मेल्स कितने हैं, टोटल है 900, फीमेल इज 500, दैट मीन्स कि मेल कितने हो गए, 900 माइनस 500 400, ओके, सो दिस इज 400। अब उसने पूछा है कि भाई ये मोर है या लेस है, तो अब हमें दिखाई दे रहा है क्या है, मोर है, कितना मोर है, 50, बट हमें किस में फाइंड आउट करना है, परसेंटेज में फाइंड आउट करना है। तो स्पेशली यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी मोर देन लेस देन आपसे पूछा जाए तो उस केस में किससे कंपेयर करा है आपको, देन मेल पॉपुलेशन, दैट मीन्स कि डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम, मेल पॉपुलेशन इंटू 100, ओके, कितना आ गया 12.5%, कितना आ गया आपके पास 12.5%, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ओके क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, इफ 20% ऑफ टोटल पॉपुलेशन डिड नॉट विजिट ऑन ए पर्टिकुलर डे इन पार्क ए, कहते एक जो पार्क ए है उसके अंदर से पर्टिकुलर डे पे कुछ पॉपुलेशन नहीं गई है, विच ऑफ विच मेल पॉपुलेशन वाज 60%, मेल पॉपुलेशन कितनी है 60% है, ओके अब आपसे पूछा क्या गया, देन व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन बी इज मेल पॉपुलेशन हु विजिटेड इन पार्क ए। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, मेल पॉपुलेशन इन पार्क ए जो है उसके उसको किसी कंपैरिजन में, टोटल ऑफ बी, बी के कंपैरिजन में आपको उसको चेक करना है, ठीक है। करेंगे ट्राई, करिए शाबाश, हाँ जी सभी ट्राई करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, करिए करिए। देखिए क्या गिवन है आपके पास में, आपको कहा कि 20% पॉपुलेशन विजिट नहीं कर रही ए की, ठीक है। अब ए के अंदर टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 400 है। अब इसमें से 20% पॉपुलेशन ने विजिट नहीं किया, नहीं किया दैट मींस कि नॉट विजिटेड कितने आ गए आपके पास में, नॉट विजिटेड कितने हो गए आपके पास, 20% दैट मींस कि 80, ओके 80 ने विजिट नहीं किया। अब इसके अंदर से देखिए बेटा, ये तो है हमारे पास में टोटल, अब इसमें से फीमेल कितनी है और मेल कितने हैं, फीमेल आपके पास 150, तो मेल कितने हैं हमारे पास में 250। अब यहां पे भी उसने क्या कहा है, ये नोट विजिटेड है, इसमें सिर्फ क्या कहा, ऑफ विच मेल पॉपुलेशन इज 60%, दैट मीन्स अगर मैं इसको देखूं तो हमारे पास में मेल कितने 60%, दैट मीन्स कि 48 मेल्स है, ठीक है, बाकी रिमेनिंग 32 क्या है, फीमेल्स है, बाकी रिमेनिंग क्या है, फीमेल्स है, ये हमें डाटा गिवन। अब हमसे क्या पूछा गया उसका भी स्पेशली ध्यान रखना, उसने क्या कहा, देन व्हाट परसेंट ऑफ, जब जहां पे ऑफ का है ना, दैट मींस कि हमें उसके कंपैरिजन में फाइंड आउट करना है परसेंटेज, किसका परसेंटेज, ऑफ इन पॉपुलेशन इन पार्क बी इज मेल पॉपुलेशन हु विजिटेड इन पार्क ए। अब पार्क ए के अंदर मेल कितने विजिट किए हैं, अब देखो मेल टोटल कितने थे बेटा, मेल टोटल कितने थे 48, विजिटेड नॉट विजिटेड, अब यहाँ पे 48 ने विजिट नहीं किया, दैट मीन्स कि कितनों ने विजिट किया, इसके अंदर से अगर मैं 48 को माइनस कर दूंगी, नॉट विजिटेड है बेटा 48, तो विजिटेड कितने हो गए, माइनस कर देंगे कितने हो गए 202। इसको हमने कंपेरिज, इसको फाइंड आउट करना है, क्या कहा है उसने कि कितना परसेंट है 202 किसके कंपैरिजन में फाइंड आउट करना, बी की टोटल पॉपुलेशन, बी टोटल पॉपुलेशन इन, यहां पे देखो कितना है 500, ओके कितना आ गया ये आपके पास में, दिस इज 40.4%, 40.4%, हाँ जी बताइए, कोई इसमें डाउट आ रहा हो, क्लियर है सभी को, हाँ जी
ध्यान से मेनली ना, अगर आप डीआई करते हो तो डीआई का आपको फायदा क्या होगा? डीआई पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप डीआई करते हो तो जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, स्टेटमेंट बेस्ड, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। और आजकल सी सेट के अंदर इस तरह से सिंपल सिंप्लीफिकेशन के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आने लग गए। 6 से 7 क्वेश्चन आप देख सकते हो एग्जाम के अंदर हर बार ऐसे आते हैं जिसके अंदर कोई भी एक सिंपल स्टेटमेंट गिवन। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यही अपने पास क्वेश्चन होता, यही अपने पास में क्वेश्चन होता और इसके अंदर ये डाटा अलग से गिवन होता, टेबल की फॉर्म में डाटा नहीं गिवन है, ठीक है। तो उस केस के अंदर आपके पास ये वाली स्टेटमेंट आ गई, मान लो ये वाली स्टेटमेंट आ गई, तो स्टेटमेंट को आपको समझना आना चाहिए कि स्टेटमेंट में मुझसे क्या पूछा गया, ठीक है, और उस स्टेटमेंट को मुझे कैसे सोल्व करना। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इससे आपका जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का पार्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो डीआई तो सभी ने करके देखनी है, चाहे बेशक से आपके पास में डायरेक्ट डीआई आती है या नहीं आती है। ऐसा भी हो सकता है डाटा टेबल आ गई या फिर पाई चार्ट आ गया या लाइन चार्ट आ गया या बार ग्राफ आ गया, ठीक है, बट उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी जो आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि क्वेश्चन को समझ के आंसर करना है, ठीक है। अब जैसे यही था, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन को समझना है, क्या कहा उसने कि 20% पॉपुलेशन ने विजिट नहीं किया, तो हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे 20% कैसे कैलकुलेट करें, जिन्होंने नहीं विजिट किया उसके लिए मुझे माइनस करना है, मेल फीमेल के लिए मुझे कैसे फाइंड आउट करना है, तो वो सारा आपको पता होना चाहिए, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रेशियो का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल पॉपुलेशन इन पार्क ए एंड डी, मेल इन ए एंड डी टूगेदर टू फीमेल पॉपुलेशन इन बी एंड ई, बी एंड ई। अब देखिए मेल इन ए एंड डी, ए के अंदर मेल कितने, हाँ जी 250, डी के अंदर मेल कितने 350, ओके, टोटल कितना हो गया आपके पास में, हाँ जी टोटल कितना हो गया आपके पास 600। अब हम चेक करते हैं फीमेल बी एंड ई के अंदर, बी के अंदर फीमेल कितनी 200, ई के अंदर फीमेल कितनी 500, दैट मीन्स की टोटल इज 700। सो रेशियो कितनी आ गई आपके पास 6:7, सो योर आंसर विल बी 6:7, 6:7 विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इफ 30 फीमेल्स फ्रॉम ईच पार्क आर अबाउ 80 ईयर्स, 30 फीमेल्स हर एक पार्क के अंदर कितनी है अबाउ 30 की है, सॉरी 80 ईयर्स है, देन फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स हु आर बिलो और इक्वल टू द एज ऑफ 80 फ्रॉम ऑल द पार्क। अब हर एक पार्क के अंदर क्या कह रहा है कि 30 तो अबाउ 80 की है, दैट मीन्स कि जो रिमेनिंग फीमेल्स हैं वो कौन सी हैं, 80 या बिलो 80 की होंगी ऑब्वियसली। तो अब उस केस के अंदर कह रहा है कि बताओ कि कितनी हैं जिनकी एज बिलो 80 है या फिर 80। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सभी में से बेटा देखो, अगर मैं इसके अंदर से ये फीमेल है टोटल, इसके अंदर 30 हर एक के अंदर क्या है, 30 हर एक के अंदर क्या है अबाउ 80। अब एक तो तरीका ये कि सभी को टोटल कर लो, सभी को टोटल कर दो, और ये 5 है तो इसके अंदर से 30 मीन्स 150 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा, टोटल करके 150 माइनस कर लो, या फिर 30 का ही है, यहीं से इसको माइनस कर दो 30, दिस इज 170, दिस इज 320, दिस इज 420 एंड दिस इज 470, ठीक है, सभी का टोटल करना, टोटल करो आंसर आ जाएगा, हाँ जी टोटल करेंगे सभी आंसर आ जाएगा आपके पास में, ओके। कितना आ गया, करो ये आ गया आपके पास 0, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 9 21, 2 3 4, 4 और 4 2 8, 8 12, 12 और 3 15, कितना आ गया बेटा, एक बार ध्यान से देखो, 7 और 2 9, 9 और 9 18 और 2 20, 1500 बनेगा, ठीक है, 1500 आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है, तो एवरेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1500 डिवाइडेड बाई 5, दैट मीन्स 300, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, 300 विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट डीआई थोड़ा सा लेवल बढ़ गया, थोड़ा सा लेवल यहाँ पे इंक्रीज किया है, तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि सारे का सारा जो डाटा है यहाँ पे देखो परसेंटेज के अंदर गिवन है और यहाँ पे परसेंटेज नहीं है, तो हमें
परसेंटेज का कंसेप्ट भी यहाँ पे क्लियर होना चाहिए इस तरह की डीआई को करने के लिए। ओके, अब यहाँ पे पहले इस डीआई को समझो, उसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे। है क्या कह रहे कि द गिवन बिलो टेबल शोज द टोटल 3 आइटम्स ए बी सी सोल्ड बाय ए स्टोर ऑन 5 डेज। टेबल आल्सो शोज टाइप ए सोल्ड इन स्टोर, ए के अंदर से जो स्टोर के अंदर से सेल हुई है वो गिवन है। अब यहाँ पे नंबर्स की फॉर्म में डाटा, ठीक है, एंड परसेंटेज ऑफ आइटम्स बी एंड सी सोल्ड बाय द स्टोर। अब यहाँ पे बी और सी का किसमें है, परसेंटेज में गिवन, किसमें गिवन है, परसेंटेज में गिवन है। अब साथ में उसने एक नोट और दिया, क्या, ओनली 3 टाइप्स ऑफ आइटम्स आर सोल्ड बाय द स्टोर। दैट मीन्स कि सिर्फ यही 3 आइटम है, मीन्स जो टोटल है, टोटल तीनों का किसके इक्वल होगा आपके पास में, 100% के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा बेटा, 100% के इक्वल होगा। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो, अगर मान लो मेरे पास में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अब यहाँ पे मान लो मेरे पास क्वेश्चन है कि बताओ मंडे को टोटल कितने आइटम सेल हुए, जो इस पे क्वेश्चन से वो भी करेंगे। पहले एक बार डीआई को समझा रहे हैं मैं आपको। क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ मंडे को कितने आइटम सेल हुए, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी। तो देखिए, अगर हम मंडे का ही फाइंड आउट करते हैं, तो मंडे को हमने देखा कि 32% तो आइटम बी गए, ठीक है, और 20% आइटम सी गए। दैट मीन्स कि टोटल 52% आइटम गया बी और सी। तो जो बचा हुआ है वो कितना बच गया, टोटल अभी मैंने आपको बताया कितना होता है, 100% बी और सी। बी और सी आपके पास कितना है, 52%। दैट मीन्स कि जो ए है, ए कितना होगा आपके पास में, 48% सेल हुआ। अब यहाँ पे 52% 48% ये किसका है, टोटल का, किसका है, टोटल का। दैट मीन्स कि 48% ऑफ टोटल, और ये मेरे पास में गिवन है, कितना गिवन है, 240। दैट मीन्स कि अगर मुझे टोटल आइटम फाइंड आउट करने हैं कि ए के टोटल कितने सेल हुए हैं, यहाँ पे मंडे को टोटल कितने सेल हुए हैं, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 240। अब बेटा यहाँ पे परसेंटेज है ना, तो ये इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, सो तो आप इसको क्या कह सकते हो, इंटू 100 बाई 48। क्लियर, सोल्व करोगे कितना आ गया, 500। दैट मीन्स कि मंडे को टोटल 500 आइटम सेल हुए हैं, जिसके अंदर से ए के कितने, 240, बी है 32%। अब बात आती है बी का, अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि बताओ बी के कितने आइटम सेल हुए हैं, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाँ जी बी के तो 32% है, 32% है, तो 32% है तो कितना हो गया, 500 का 32% कितना हो गया हमारे पास में, 160। ओके, 500 का 20%, दैट मीन्स कि 100 टोटल आ गया अपने पास। तो यही एक छोटा सा कंसेप्ट है यहाँ पे, कि अगर इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे करोगे। क्लियर, हमेशा ध्यान रखो टोटल इज इक्वल टू 100% होता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपके पास में सेम डीआई है बेटा, क्या है, टोटल आइटम्स बी सोल्ड बाय स्टोर ऑन मंडे एंड फ्राइडे। बी के मंडे और फ्राइडे के आइटम्स आपको बताने हैं, बी के मंडे एंड फ्राइडे, फ्राइडे इज दिस, टुगेदर आर व्हाट परसेंट लेस देन टोटल आइटम्स सोल्ड बाय सी ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे। वेडनेसडे एंड थर्सडे, वेडनेसडे दिस इज वेडनेसडे एंड दिस इज थर्सडे। तो अभी मैंने आपको बताया था कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एक बात का ध्यान रखो, जब डीआई आ जाती है ना, तो उसके इसके अंदर ऐसा होता है कि जो एक बार आपकी कैलकुलेशन है वो फर्दर यूज हो जाती होती है। तो एक बार सभी कैलकुलेट कर लेंगे टोटल कितना कितना आइटम सेल हुआ है, और उससे उनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो पहले एक बार मैं सभी का कैलकुलेट कर देती हूँ, सभी आप नोट डाउन कर लेंगे, और फिर बाकी के क्वेश्चन में उसी डाटा को हम यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखो, अभी हमने मंडे का फाइंड आउट किया, मंडे को टोटल कितने बेटा, मंडे को टोटल कितने थे, 500 आ गया था हमारे पास, मंडे का भी 500 आया, तो मंडे का 32% कितना हो गया आपके पास, 160। क्लियर, अब यहां पे हम फ्राइडे का कैलकुलेट करते हैं, फ्राइडे का टोटल, टोटल कितना आएगा आपके पास में, 340। एक है री, किसके इक्वल है, किसके इक्वल पड़ रहा है, 22% ये बेटा, 10% ये, टोटल कितना हो गया, 32%। दैट मीन्स कि ये किसके इक्वल है, 32% है ये सारे का सारा,
ठीक है, 100 में से माइनस किया, दैट मींस कि मेरे पास 68% के इक्वल हो गया, ये 68% के इक्वल है। अब 68% की वैल्यू कितनी है आपके पास में, इतनी, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, डिवाइडेड बाय ये कितना आ गया आपके पास में, अगेन 500। ओके, तो ये वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 500। बताओ ये वाला पॉइंट क्लियर है कैसे निकाला मैंने। देखो टोटल जो है, टोटल 100% के इक्वल है, ये कितना निकल के आया बेटा, 68%। 68% किसके इक्वल है, 340 के इक्वल है। 1% किसके इक्वल है, 340/68। तो 100% किसके इक्वल हुआ, 200। कोई इसमें डाउट, बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ये कितना आ गया मेरे पास में, 500 आ गया। अब 500 है तो ये वैल्यू कितनी होगी, 500 से ये कितना हो गया आपके पास में, 110 के इक्वल हो गया। दोनों की वैल्यू आ गई आपके पास, हाँ जी दोनों की वैल्यू मिल गई आपको। अब हम देखते हैं यहाँ पे वेनसडे, वेनसडे का भी मुझे चाहिए। अब वेनसडे का हमें आइटम सी फाइंड आउट करना है, तो पहले वेनसडे का टोटल देखते हैं, वेनसडे के अंदर टोटल आइटम्स कितने सेल हुए। तो वेनसडे के अंदर देखो टोटल कितना बेटा, 45 + 20, दैट मीन्स 65%। 65% क्या है, बी एंड सी, दैट मीन्स की जो रिमेनिंग है दैट इज 35%, और ये 35% के इक्वल। ओके, तो अब देखो 35% मेरा किसके इक्वल है, 420 के, तो 100% किसके इक्वल रहेगा, 420/35 × 100। ओके, कितना हो गया बेटा, 1200 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास में 1200। टोटल कितना है हमारे पास, 1200। और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सी के आइटम्स फाइंड आउट करने। सी है 20%, सी कितना है आपके पास में, 20% है, 20% कितना हो गया, 12 × 24, 240 आ गया। क्लियर, इसी तरह से सभी का फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे थर्सडे का देखते हैं, थर्सडे को देखो कितना हो गया, ये 76% हो गया, दैट मीन्स दिस इज 24%। ओके, 24% किसके इक्वल है आपके पास में, 360 के, तो 100% किसके इक्वल हो गया बेटा, बटा 24 × 100, 12 × 24, 12 × 36, ठीक है, और ये 2 से हो गया 15, दैट मीन्स कि 1500 के इक्वल कितना आ गया आपके पास, 1500। 1500 का 20% कितना आ गया, 300। ओके, एक बच गया, उसको भी अभी फाइंड आउट कर लेते, बाकी क्वेश्चन में फिर आप डायरेक्टली यूज कर लेना, बार बार नहीं करने की जरूरत पड़ेगी आपको। इसको भी देख लेते हैं, ये कितना हो गया, 48 and 50 60%, ये हो गया 60%। 60% दैट मीन्स दिस इज 40%, दिस इज 40%। 40% की वैल्यू किसके इक्वल है आपके पास में, हाँ जी 40% की वैल्यू बेटा, 320 के भी 4 × 8 = 32 कितना हो गया, 800 के। तो अभी नोट डाउन कर लो सारे के सारे, क्या क्या फाइंड आउट किया, मंडे को टोटल है 500, ट्यूसडे का 800, वेनसडे 1200, थर्सडे 1500 एंड फ्राइडे 500 आ गया। ठीक है, अब जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसका आप आंसर कर दोगे, करते हैं। अब उसने क्या कहा, बी के मंडे एंड फ्राइडे, बी मंडे एंड फ्राइडे, बी का कितना है मंडे और फ्राइडे का कितना है बेटा, हाँ जी 160 + 110, तो 270 आ गया। साथ में क्या पूछा आपसे, सी सोल्ड वेनसडे एंड थर्सडे, सी ऑन वेनसडे एंड थर्सडे। अब सी का देखो वेनसडे थर्सडे का कितना है, 240 + 300, दैट मीन्स 540 कितना आ गया आपके पास, 540। अब आपसे क्या पूछा गया, कितना लेस या मोर है, कितना परसेंट लेस है, तो कितना परसेंट लेस है, ये कितना लेस है, 270 लेस है। परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, इसे कंपेयर किया, दैट मींस कि मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय ये करेंगे, मींस 50%। सो आंसर कितना आ गया आपके पास, ऑप्शन बी 50% विल बी द करेक्ट आंसर। हां जी बताइए, क्लियर बेटा, कोई इसमें डाउट। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाई बी ऑन स्टोर ट्यूजडे एंड थर्सडे, ट्यूजडे एंड थर्सडे, ट्यूजडे एंड थर्सडे,
एंड एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय ए ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे, ए का थर्सडे एंड फ्राइडे। ओके, अब देखो पहले इसका कैलकुलेट करते हैं। ट्यूसडे को कितना था? 800, अभी हमने कैलकुलेट किया 800, तो 800 का कितना हो गया बेटा, ये वैल्यू आ गया 8 8 64 और 8 6 32, 32 और 6 38, 384 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से अभी हमने फाइंड आउट किया थर्सडे का कितना था, 1500 कितना बन गया ये आपके पास में, 15 6 90, 15 5 75, 75 और 9 हो गया बेटा जी आपके पास में 84। क्लियर। अब यहाँ पे इसका अगर मैं एवरेज देखूँ तो एवरेज कितना आ जाएगा, सम करेंगे डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, कितना आ गया, 8 4 12, 8 3 11 और 1 12 बटा 2 612। इन दोनों का देखेंगे एवरेज कितना आ गया, 0 0 7 बटे 2, 350। क्या फाइंड आउट करना है आपने, हाँ जी डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 612 माइनस 350, सो दिस विल बी 262 विल बी द करेक्ट आंसर। बताइए कोई इसमें डाउट आ रहा हूं? देखो बेटा एवरेज परसेंटेज रेशियो ये तो मस्ट है, बिल्कुल क्लियर है। एक बार हमने टोटल कर लिया सभी का, ठीक है, तो वही वैल्यू आपके हर बार यूज हो रही है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, इफ द टोटल आइटम्स सोल्ड बाय बी ऑन स्टोर ऑन संडे, संडे कहाँ पे आपके पास में, ये रहा आपके पास, संडे तो है ही नहीं, संडे मैट मीन्स कि हमें कुछ कैलकुलेट करना है यहाँ पे, है ना, ऑन संडे इज 25% मोर देन द आइटम्स सोल्ड ऑन थर्सडे। संडे का क्या कह रहा है ये देखो, बी इज दिस वन 25% मोर है किससे, थर्सडे से। थर्सडे का कितना आपके पास में, 56%, और थर्सडे के हमारे पास में टोटल वैल्यू कितनी थी, 1500। ठीक है ना, तो अब यहां से ये कह रहा है कि बताओ मोर है कितना, 25% इससे ज्यादा है, तो 25% ज्यादा है तो कितनी आ गई वैल्यू, अभी हमने इसको कैलकुलेट किया लास्ट के अंदर, ये था बेटा 840 आ रहा था आपके पास में, कितना आया था, 840 आया था। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इससे 25% मोर है 25%, दैट मीन्स कि 1/4, इसका 1/4, फोर्थ कितना हो गया, 210। ठीक है ना, कितना बन गया ये आपके पास में, 105, दैट मीन्स कि संडे को कितना हो गया आपका आइटम बी का, 1050। यही कहा है उसने, आगे भी कुछ है, एंड द टोटल आइटम्स ऑन सी सोल्ड ऑन संडे इज 300% मोर देन फ्राइडे। अब यहाँ पे हम सी की बात करें, सी कितना कह रहे हैं, 300% मोर देन फ्राइडे। अब फ्राइडे देखते हैं, फ्राइडे को कितना आया ये, फ्राइडे को सी की वैल्यू कितनी है, टोटल कितना था बेटा, 500, दैट मीन्स ये कितना हो गया, 50, कितना हो गया आपके पास में, 50। अब इससे क्या कह रहा है वो, 300% ज्यादा है, 300% ज्यादा है, 300% किसका कितना हो गया, 150, दैट मीन्स कि टोटल कितना हो गया, 200, कितना हो गया आपके पास, 200। और क्या कहा है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स बी एंड सी सोल्ड बाय ऑन संडे, संडे को टोटल कितना हो गया, टोटल कर लो इसका, 1250। सो योर आंसर विल बी 1250, कितना आ जाएगा, 1250 विल बी द करेक्ट आंसर। पॉइंट क्लियर है, हाँ जी, तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा कर लेंगे सभी, कि अगर परसेंटेज में डाटा गिवन है तो कैसे आप कैलकुलेट करोगे, इसमें सारा परसेंटेज का ही कंसेप्ट यूज हो रहा है। अब नेक्स्ट देखो क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, टोटल आइटम्स सी सोल्ड बाय ऑन वेडनेसडे 20%, वेनसडे, अभी हमने वैल्यू निकाली थी, टोटल कितना था वेनसडे का, 1200, दैट मीन्स कितना हो गया, 240। इज व्हाट परसेंट मोर देन आइटम्स सोल्ड
सी बाई स्टोर ऑन मंडे एंड ट्यूजडे टूगेदर. मंडे एंड ट्यूजडे, मंडे और ट्यूजडे का आपको फाइंड आउट करना है. मंडे ट्यूजडे, ये मंडे है बेटा, मंडे को टोटल कितना था 500, तो ये कितना हो गया था हमारे पास 100, ठीक है. ट्यूजडे का टोटल, ट्यूजडे का हमारे पास अभी हमने कैलकुलेट किया था कितना था 800, और उसका कितना है 12%, 12 से 96 कितना आ गया आपके पास में 96. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि व्हाट परसेंट मोर, तो वेडनेसडे का अगर हम देखें सी का, तो कितना आपके पास 240, ठीक है. और आपका वेडनेसडे का ही अगर हम चेक करते बेटा, सॉरी सी का हम चेक करते हैं कब, मंडे और ट्यूसडे, तो ये हमारे पास कितना बन गया 196. अब कह रहा कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, डिफरेंस चेक करेंगे कितना ज्यादा है. तो यहाँ पे बेटा देखो कितना ज्यादा आ गया ये आपके पास में, दिस विल बी 4, 13 में से 9 गए 4, इतना ज्यादा है. ओके अब देखिए किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में फाइंड आउट करोगे. ओके परसेंटेज है, दैट मींस की मल्टीप्लाई बाय 100. सोल्व करेंगे बेटे 4 से, 4 चौके 16, 4 नेम 36, दैट मींस की हो गया आपके पास 1100 डिवाइडेड बाय 49. ओके तो यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपकी नियर बाय वैल्यू आ जाएगी, दिस विल बी नियर बाय 22. एक बार चेक कर लेना सभी, सभी एक बार चेक कर लेंगे. ओके कैलकुलेशन का पार्टी है, कर लेंगे सभी. ओके नेक्स्ट देखिएगा. हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास में कि फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल आइटम सोल्ड बाय स्टोर ऑन मंडे, ऑन मंडे एंड टोटल आइटम्स सोल्ड बाय द स्टोर ऑन थर्सडे. मंडे और थर्सडे के आपको टोटल आइटम्स फाइंड आउट करने हैं. अब देखो मंडे और थर्सडे सारा कैलकुलेट तो हम कर ही चुके हैं, मंडे एंड थर्सडे. अभी बताओ कितना आया था, मंडे कितना था आपके पास 500, ठीक है. थर्सडे का कितना था 1500 था, कितना आ गया फिर 500 टू 1500, सो द रेशियो विल बी 1:3. ओके हाँ जी बताए कोई इसके अंदर डाउट. देखो क्या पूछा आपसे, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल आइटम सोल्ड ऑन मंडे. ओके अब मंडे का हमने टोटल कैलकुलेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है. उसके बाद में क्या करें, टोटल आइटम सोल्ड ऑन थर्सडे, थर्सडे का हीरा. ओके हाँ जी अब कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैडम आप कह रहे हो कि ना सिंगल सिंगल टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कर लो, जैसे मैंने अभी आपको कहा रेशियो परसेंटेज, तो वो कहाँ से करें. तो उसके लिए बेटा आपको माइक्रो कोर्सेज में जाना है. डिस्क्रिप्शन में नीचे ना माइक्रो कोर्सेज का लिंक अवेलेबल है, सो दैट कि आप वहाँ से, अगर मान लो आप कहते हो कि मुझे पूरे का पूरा ना क्रैश कोर्स लेना ना मैंने कंप्लीट कोर्स लेना है, मैं तो सिर्फ माइक्रो कोर्सेज और टेस्ट के थ्रू प्रिपेयर करना है मैंने, तो उस केस के अंदर आप माइक्रो कोर्सेज ले सकते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ नंबर सिस्टम चाहिए, तो आप सिर्फ नंबर सिस्टम ले सकते हो. ओके आप सिर्फ नंबर सिस्टम ले सकते हो, उसके लिए आपको कहाँ जाना है, नंबर सिस्टम के माइक्रो कोर्सेज पे जाना है. ओके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नंबर सिस्टम. सेम वे अगर मान लो आप कहते हैं मुझे परसेंटेज में प्रॉब्लम आ रही है, तो परसेंटेज ले लीजिए. ओके इसी तरह से आप कहते हैं मुझे सिलोजियम में प्रॉब्लम आ रही है, आप सिलोजियम ले लीजिए. आपको डायरेक्शन सेंस में प्रॉब्लम आ रही है, आप डायरेक्शन सेंस ले सकते हो. मीन्स कि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको लगते हैं कि हाँ जी मैंने ये पर्टिकुलर टॉपिक्स से प्रिपेयर करना है इस तरह से, तो आप वैसे भी कर सकते हो. तो उसके लिए माइक्रो कोर्सेज पे आपने जाना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर माइक्रो कोर्सेज का लिंक अवेलेबल है. ओके वहां से आप एक्सप्लोर करेंगे. पहले तो एक माइक्रो कोर्स आप लेके देखिए, वहां पे वीडियो कोर्सेज भी अवेलेबल है, वीडियो कोर्सेज भी अवेलेबल है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अवेलेबल है, वेब नोट्स भी अवेलेबल है, ठीक है. अब अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले लो. अगर आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स चाहिए, तो आप वीडियो लेक्चर्स ले सकते हो. काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल सिस्टम है बेटा, एक बार एक्सप्लोर जब भी करेंगे. हाँ जी सभी के सभी इसको एक्सप्लोर जरूर करेंगे, सभी के सभी. ओके सो इट वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू.